गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू मैं मुदिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मुदिता आई एस वॉरियर्स में जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे इज मैटर अराउंड अस प्योर आपका चैप्टर नंबर टू है केमिस्ट्री का जिसका आज हम वार्म अप क्विज सेशन करने वाले हैं वन मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है साथ में आपका रिविजन भी हो जाता है सो so, मेरे मुदिता के साथ यानी स्टार्ट करते हैं और फटाफट -फड़ से देखते हैं आज आपके कितने स्कोर आते हैं और अगर आप के स्कोर कम है तो डोंट वरी आपको किसी और से नहीं अपने आप से आपको कंपेयर करना चाहिए सो so, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन है हाउ कैन यू चेंज अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन टू एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट एनिंग मोर सॉल्वेंट टू इट अब वट इज़ सॉल्यूट वट इज़ सॉलवेंट ये सारा हमने चैप्टर में डिस्कस किया था अगर आप इस चैप्टर का पूरा पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे वहां पर मैंने एक लिंक दे रखा है वहां पर मैंने वन आर का एक वीडियो है जिसमें पूरे चैप्टर को कम्प्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में समझा रखा है पढ़ा रखा है वो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए ठीक है तो यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये क्विज़ है आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसमें सॉल्वेंट ऐड किए तो बाई हीटिंग द सेचुरेटेड सोल्यूशन इट बिकम अनसेड आपका एक स्टेज होता है ठीक है जब आप एक सॉल्यूट है है उसके अंदर सॉल्वेंट एक स्टेट आता है जिसपे जो आपका ये सॉल्यूशन है वो क्या बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है अब इसमें आप और पानी मत मिलाओ लेकिन फिर भी इसको अनसेचुरेटेड बनाना है तो आप क्या करोगे इसको हीट कर दो जैसे ही आप थोड़ी सी इसे हीट दोगे ये वापस अनसेचुरेटेड बन जाएगा सो so, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बाई हीटिंग क्वेश्चन नंबर टू वट आर द कंपोनेंट ऑफ कोलाइयडल सोल्यूशन कोलाइयडल सोल्यूशन के दो कम्पोनेन्ट्स क्या होते हैं देखिये हमने पढ़ा था कि कोलाइडल्स होते हैं सस्पेंशन होते हैं ट्रू सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था तो कोलोइडल के दो फेजिस होते हैं वो क्या होते हैं उनके नाम बताने हैं द टू कम्पोनेंट ऑफ कोलाइयडल सोल्यूशन आर डिस्पर्सड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम ठीक है ये दो चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में, में पूरा चैप्टर समझ सकते हैं सो अगर आपको ये दो क्वेश्चन आते थे फटाफट से अपने टू मार्क करिए हम चलेंगे आगे वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सोल्वेंट वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सोल्वेंट वाटर इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजोल्व वाइडली वेराइटी ऑफ सब्सटेंस क्योंकि बहुत सारे तरह के वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं ये वन मार्क में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इस क्वेश्चन को रोटेट करके कैसे पूछेगा किस सब्सटेंस को विच सब्सटेंस कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किस सब्सटेंस को बोलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा वाटर सो so, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार होंगे आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोई भी वन मार्क क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है नेम टू एलिमेंट्स विच एग्जिट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं केयरफुली देखिए आपको बोला है एलिमेंट्स एलिमेंट्स के नाम बताने हैं ठीक है जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे अगर यहाँ पे कंपाउंड बोलेगा तो आंसर बदल जाएगा मिक्सचर बोलेगा तो आंसर बदल जाएगा ठीक है तो एलिमेंट आपको बताना है तो गैलियम एंड मरकरी गैलियम एंड मर्करी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं आपके ठीक है जो हमारे क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं तो ये आपका आंसर हो गया अगर आपके ये दोनों क्वेश्चंस भी सही हैं तो आप अपने आप को टू मार्क्स ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो डोंट वरी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल ये भी प्योरीफिकेशन का एक तरीका है जहाँ पे हम प्योर क्रिस्टल्स बनाते हैं इम को सेपरेट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टेलाइजेशन होता है हमने बहुत सारे डिफरेंट मैथड्स पढ़े थे जिसमें से एक प्योरीफिकेशन का जिसमें से एक मैथड क्रिस्टलाइजेशन भी था और क्रिस्टलाइजेशन को आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप वीवीआई कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं क्यों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नाइन्थ में भी और बोर्ड एग्जाम में भी एन अननोन सब्सटेंस ए एक अननोन सब्सटेंस है आपको नहीं पता क्या है वो ए है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम वो प्रोड्यूस करता है बी एंड सी दो चीजें प्रोड्यूस करता है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि वन सब्सटेंस ब्रेक इन टू और मोर सब्सटेंसेस ठीक है तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बी और सी बनाता है व्हाट इज एन ए एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मिक्सचर तो जो आपका ए है वो क्या है कंपाउंड है मिक्सचर है एलिमेंट है तो आपको ये आंसर ध्यान रखना है अननोन सब्सटेंस ए शुड बी कम्पोज बिकॉज एलिमेंट एंड मिक्सचर डू नॉट डिकम्पोज तो आपका ए क्या है शुड बी कंपाउंड आपका एलिमेंट ए क्या है एक कंपाउंड है क्योंकि बेसिक्स क्या है फिजिक्स की केमिस्ट्री की बेसिक्स क्या है बिकॉज एलिमेंट्स कोई भी जो एलिमेंट है वो डिकम्पोज नहीं होगा एलिमेंट तो खुद ही स्मॉलेस्ट यूनिट है ठीक है और जो मिक्सचर है वो भी डिकम्पोज नहीं होगा मिक्सचर को तो बाय फिजिकल मेथड आप सेपरेट कर सकते हो तो डिकम्पोज क्या होगा कंपाउंड होगा तो ये हमारा एलिमेंट क्या होगा जो ए है हम जिसको नहीं जानते वो कुछ भी है लेकिन वो क्या है कंपाउंड है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इस तरीके से ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको आंसर उसी में है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो अगर आपका ये सही है तो आप प्लस टू कर सकते हैं और जिन लोगों ने इंग्लिश का हमारा आज सुबह इंग्लिश का नाइन्थ क्लास का क्विज ऑर्गेनाइज़ किया गया था अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है चैप्टर फर्स्ट का ठीक है द फन दे हैड का तो आप वो वीडियो भी जाके फॉलो कर सकते हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंस सल्फर ब्रीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर न्योन पेपर शुगर इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए हमने पढ़ा था कि एलिमेंट होते हैं कंपाउंड होते हैं मिक्सचर होते हैं ठीक है तो इसमें से आपको एलिमेंट बताना है क्या क्या एलिमेंट है तो सल्फर इज द एलिमेंट न्योन इज द एलिमेंट ठीक है पेपर एक चीज से नहीं बना हुआ है शुगर ये भी क्या है कंपाउंड है वाटर वाटर क्या होता है H2O दिस इज आल्सो कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl ठीक है तो यहाँ पे क्या है सल्फर क्या है आपका एस है सिंगल है ये एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या होते हैं कंपाउंड क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैप्टर को पूरा वीडियो देख सकते हैं तो आपका सल्फर और न्यून इज़ द करेक्ट आंसर गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच आपको एग्जाम्पल देना है एरोसोल का और इमलसन का अब एरोसोल क्या होता है इमल्सन क्या होता है देखिए हमने बहुत सारे फॉर्मेशन पढ़े थे कि लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं इन सब के अलग अलग नाम होते हैं जिसमें से दो क्या है एरोसॉल और इमल्सन इसका आपको एग्जांपल देना है इसकी आपकी एन में एक टेबल भी है ठीक है एन की बुक में आपको एक टेबल मिल जाएगी वहाँ से आप उसको लर्न कर सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चे उसे अवॉइड कर देते हैं उसमें से लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं एरोसोल है? है, का क्या होता है एरोसोल क्लाउड एंड स्मोक इसका एग्जाम्पल है ठीक है और इमल्सन का मिल्क और फेस क्रीम जो फेस पे क्रीम लगाते हैं वो इसका एग्जाम्पल है नाइन में बोला है सजेस्ट सेपरेट टेक्निक्स वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स देखिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी ठीक है अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन सब्लिमेशन तो वो सारी टेक्निक्स को भी मैंने अच्छे से आपको बताया था उस वीडियो को आप रेफरेंस लेके पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा अब यहाँ भी आपको बताना है कौन सी टेक्निक आप लगाएंगे फर्स्ट है मरकरी एंड वाटर अगर मरकरी एंड वाटर आपका ये एच होता है मरकरी एंड एच होता है वाटर अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आप इसको कौन से मैथड से सेपरेट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड आपको सारे सिम्बल्स पता होने चाहिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है एन कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड कॉमन सॉल्ट क्या हो गया आपका एन ए सी एल वाटर हो गया आपका एच टू ओ पानी में मिला दिया नमक और उसमें मिला दिया क्या सैंड यानी कि रेत तो देखिए कई बार कई चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको दो मेथड सेपरेशन के लिए लगाने पड़ेंगे कैरोसिन ऑयल वाटर एंड सोल्ट सॉल्ट यहाँ पे इन दो में आपको दो दो मेथड्स लगाने पड़ेंगे तो एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले मरकरी एंड वाटर आप पहले ये क्वेश्चन है आप आंसर अपनी मर्जी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ए बी सी डी किसमें कौन सा मेथड लगाएंगे उसके बाद जब मैं आंसर दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ बात करते हैं मरकरी एंड वाटर को आप कैसे सेपरेट करेंगे तो सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल अगर आपका मरकरी एंड वाटर होता है तो आप सेपरेटिंग फ़नल इस तरीके से फनल होती है वहाँ से आप फिल्टर आउट करेंगे पानी आपका निकल जाएगा और जो एच है वो रह जाएगा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा कोलोइड जैसा बिहेव करता है मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा वो कहते हैं ना जैसे कि शहद होता है थोड़ा बह नहीं पाता है तो उस तरीके का सब्सटेंस बन जाता है उसके बाद सेकेंड था हमारा बी बी हमारा क्या था आ... पोटेशियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड क्या होता है अमोनियम क्लोराइड होता है जैसे कि कैम्फर जैसे कि आप कपूर जलाते हो कपूर को खुला रख दो तो वो क्या होता है उड़ जाता है तो अमोनियम क्लोराइड भी इसी तरीके का सब्सटेंस है सो अमोनियम क्लोराइड कैसे सब्लीमेशन से आप उसको हीटअप करोगे तो सब्लीमाई हो जाएगा ठीक है सब्लीमेट हो जाएगा यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाएगा तो आपका सेपरेट हो जाएगा इसके बाद नंबर थर्ड था पोटेशियम क्लोराइड सॉरी कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड को आप कैसे करोगे फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सैंड सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन करोगे जहाँ से रेत निकल जाएगी उसके बाद फॉलोड बाय इवेपोरेशन इसके बाद आप इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन लगा के कॉमन सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर डी में था कैरोसिन ऑयल वाटर एंड सॉल्ट तो आप कैसे सेपरेट करोगे सेपरेशन बाय यूजिंग फनल टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल सबसे पहले फनल का यूज़ करके आप इस तरीके से कैरोसिन ऑयल को सेपरेट कर लोगे उसके बाद आप इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन लगा सकते हैं उसको पानी से अलग करने के लिए ठीक है तो ये मैथड्स हैं इसी तरीके से आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता है कि आपको चौक है मिट्टी है इनको मिक्स कर दिया तो आप कौन कौन से मैथड्स अप्लाई करोगे ठीक है क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी हमने बहुत सारे मैथड्स पढ़े थे तो कौन सा मैथड अप्लाई करके आप सेपरेट करोगे सो so, इसमें से आपके जितने आंसर सही हैं आप उसके मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं और अपने मार्क्स पूरे ऑनेस्टली से दें इफ यू वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर अगर हम कैम्फ़र कैम्फ़र वही क्या होता है कपूर होता है ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं कपूर जिसे पूजा में जलाते हैं या फिर समटाइम्स जब वो कई बार कोई डिजीज होती है तो कहते हैं कैम्फर को स्मेल करो ठीक है बैक्टीरिया को भी मारता है एनवायरमेंट को प्योरीफाई भी करता है इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट किप एंड डिक्रीज ड्यू टू फिनॉमना तो इसका अमाउंट कम होने लगता है किस फिनना की वजह से क्यों घटने लगता है ड्यू टू सब्लिमेशन अगर आप कैम्फर को कपूर को खुले में रख दो ठीक है खुले में रख दो खोल के तो धीरे धीरे उसका अमाउंट है वो कम होने लगेगा क्यों होने लगेगा सब्लिमेशन क्योंकि कैम्फर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपराइज हो जाता है ठीक है हवा में उड़ जाता है तो आप पूरे कैम्फर को खोल के रख दो धीरे धीरे कम होगा फिर आपकी डांट पड़ेगी कि आपने ही कैम्फर को खो दिया लेकिन वो सारा एनवायरमेंट में वेपराइज हो गया है तो ये प्रोसेस क्या है सब्लिमेशन है सो so, यहां पे कंप्लीट होते हैं हमारे टेन क्वेश्चन बट ये मोर देन टेन क्वेश्चन थे ठीक है तो आप इसमें आपको फोर्टीन क्वेश्चन अराउंड थे तो फोर्टीन आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बी ऑनेस्ट यहां पे देखिए आपको जो मार्क्स हैं ये आपको जज नहीं कर रहे हैं ये आपको बता रहे हैं आपने कितनी तैयारी की है और आपको अभी टाइम है कि आपको और ज्यादा कितना प्रिपेयर होना है और डोंट कंपेयर टू यू विद अदर्स अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कि किसी और ने कमेंट में सोलह में से सोलह लिख दिए तो आप सोचो कि मेरे बुरे आ रहे जी अगर आपके दो नंबर आ रहे हैं तो आप अपने दो लिखो तीन आ रहे हैं तीन लिखो ठीक है आप खुद को खुद से कंपेयर करो कि आज मेरे दो हैं कल मेरे पांच आएंगे परसों मेरे दस आएंगे अपने आप से कंपेयर करो यू फील वेरी पॉजिटिव डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्विज एंड चैप्टर्स के साथ तब तक के लिए बाय